दोस्तों आप लोगों मुझे सर मत कहा कीजिए, मुझे दोस्त कहा कीजिए, क्योंकि मैं सर का इतिहास बताता हूँ। देखिए सर जो होता है ना, सर में बहुत सारी बंधने होती हैं और दोस्त में कोई बंधन नहीं होता है। दोस्त से आप सभी प्रकार की चीज़ों की खुलकर बात कर सकते हैं, जबकि सर से आप नहीं कह सकते हैं। इसलिए मुझे दोस्त कहा कीजिए। यहाँ तक कि आप अगर गीता पढ़े होंगे तो गीता में भी श्री कृष्ण ने ये कहा था कि मित्रता की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है, इसलिए तुम मुझे अपना मित्र समझो अर्जुन को। और ये जो सर की उपाधि है ना, सर की उपाधि जिसे आप अंग्रेज लोग नाइटहुड की उपाधि भी कहते थे, इसे 1915 में दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए। ये सर की उपाधि अंग्रेजों की देन थी, हम भारतीयों की नहीं। हम भारतीय महाशय बोलते हैं, या तो हमें मित्र बोलिए या दोस्त बोलिए। मुझे दोस्त सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि दोस्त एक जो बात होती है ना, वो सभी बातें शेयर कर सकता है। जितनी भी दिल की गहराइयों की जो भी अच्छी बुरी बातें हैं, वो सभी दोस्त के साथ आप शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं। लेकिन आप सर के साथ नहीं, क्योंकि सर में बहुत सारी बंधनें होती हैं, दोस्त में कोई बंधन नहीं होता है। और ओशो ने भी ये कहा है कि मित्रता जो है, मित्रता प्रेम का शुद्धतम रूप है, जिसमें कुछ नहीं मांगा जाता, केवल दिया जाता है, देने में आनंद आता है। तो मुझे कृपया करके दोस्त कहा कीजिए, प्लीज़ दोस्त। नो सर, मुझे सर का नाम बिल्कुल पसंद नहीं लगता है।